हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना फैक्सियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली एक सुपर विलन के ऊपर, जिसका नाम है ब्राइट वन। आपने मूवीज में देखा भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस सुपर विलन के बारे में बात करने वाले हैं, ओरिजिन जो है, सबसे पहले अपीयरेंस जो थी वो हमें एक मूवी में दिखने को मिली थी, जिसका नाम था ब्राइट वन। मूवी का नाम भी ब्राइट वन ही था और विलन का नाम भी ब्राइट वन ही है। सो चलिए अब मूवी के करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि खुद एक एलियन है जो दूसरे ग्रह से अर्थ पे आया होता है। उसके प्लैनेट का नाम जो अभी भी अननोन है। तो जब अर्थ पे आता है तो उसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, उसका नाम ब्रैंडन ब्रायर रख देते हैं। और जब ये 12 साल का होता है तो इसकी स्पेसशिप में जिसमें ये आया होता है उससे आवाज़ें सुनाई देती हैं। इससे धीरे धीरे ये जो है बुरा बन जाता है, और बुरा बनने के बाद ये मज़े के लिए लोगों को मारने लग जाता है, यहाँ तक कि अपने रिलेटिव्स हैं। और इसकी जो मम्मी और पापा कहते हैं, फादर और मदर थे जो भी थे, जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था, ये उन्हें भी मार देता है। और जहाँ तक कि मूवी की रिपोर्ट है, इसने लगभग 274 प्लस लोगों को मार दिया होता है। और लास्ट में दिखाया भी जाता है कि कैसे इसने एक एरोप्लेन क्रैश कर देता है जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर होते हैं। तो आइए अब इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी सुपरमैन से मिलती जुलती है। तो पहली जो पावर आती है वो ये है कि ये बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकत है, जो नॉर्मल इंसान है उससे काफ़ी ज़्यादा ताकत है। जैसे कि तो वो पहली पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, दूसरी आती है सुपर ह्यूमन स्पीड होती है, काफ़ी देर भाग सकता है, फ्लाइट, उसके बाद आती है फ्लाइट जो ये हवा में उड़ भी सकता है, और भाग फोर्थ नंबर पे आती है हीट विजन, ये अपनी आंखों से लेजर भी छोड़ सकता है। पांचवें नंबर पे आती है वो है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, बाकी नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और सिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेयर, मतलब कि चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सेवन्थ आती है वो ये है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, मतलब कि इसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एक एवरेज ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट पावर के बारे में, जो है इनवल्नरेबिलिटी। मतलब क्या होता है इसका कि किसी भी डिजीज, जो कोई भी डिजीज है, इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझ ले ये उसे कभी ये बीमार नहीं होता, ना इसे कोई बुखार होता है, ना इसे कुछ चोट लगती है चीज़ पे। तो आइए अब इसकी वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली वीकनेस आज हुई है कि इमोशंस और लव से जो है काफ़ी दूर रहता है, मतलब इनसे ये जो है कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए मूवी के लास्ट में अपनी माँ को भी मार देता है। जो दूसरी वीकनेस आती है वो ये है कि जिस शिप में बैठ के आया था उस शिप जो है एक मेटल से बना होता है, अलग तरह के मेटल से, तो उस मेटल से इसको मारा जा सकता है। बाकी और कुछ की वही वीकनेस नहीं है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अभी जाके लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करना ना भूलें उसके लिए। तो तब तक के सी यू गाइस।